हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नैना बुटीक में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम 44 इंच कमर की पैंट कटिंग करने वाले हैं और इसकी जो थाई है वो 31 इंच है। तो यहाँ पर कपड़ा लिया है हमने 1/20। सबसे पहले आप जान लीजिए यहाँ पर नाप। इसकी जो लंबाई है वो 37.5 इंच है, कमर 44 इंच है, हिप 48 इंच है, थाई 31 इंच है और बॉटम 17 इंच है। इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें पैंट को कटिंग करना है। हमने यहाँ पर कपड़ा उल्टा करके फोल्ड कर दिया है। हमें यहाँ पर एक गुनिया फंटी की ज़रूरत है और एक यहाँ पर शेप फंटी की ज़रूरत है जो कम राउंड वाली है। अब हम इस तरीके से यहाँ पर इसको रखेंगे और एक निशान लगा देंगे इस प्रकार, और एक निशान लगाएंगे ऐसे में। उसके बाद हमारी इसकी जो लंबाई है वो है 37.5 इंच, तो 1 इंच निकालेंगे हम ऊपर को और यहाँ पर 37.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और 2.5 इंच देंगे मोरी में फोल्ड होने के लिए। इसकी कमर है वो है 44 इंच, ठीक है। तो 44 इंच कमर है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कमर लिख दी है 44 इंच, क्योंकि 44 इंच इसकी कमर है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें कि इसकी हिप है 48 इंच। अब हमें इसकी रखना है लटक, तो लटक यहाँ से नापेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर 48 इंच, तो 12 × 48 इंच हो गई। अगर आप ये 1 इंच ऊपर से निकाल के नापते हैं, ठीक है, तो वैसे मैं यहाँ से नापता हूँ हमेशा नीचे से, तो 12 × 48 हो गई। तो आपको 2 इंच कम करके रखना होगा, ठीक है, लटक को। अगर आपकी हिप 40 है तो आप यहाँ पर 4 भाग करके और 10 इंच पर निशान लगा सकते हैं। अगर 40 से ऊपर है तो आप यहाँ पर उसको कम करके लगाएंगे। तो अगर आप 1 इंच निकाल के नापते हैं यहाँ से, तो आप 1 इंच कम करके लगाएंगे। अगर ऊपर 1 इंच निकालते हैं तो 1 इंच कम करके नापेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से लटक को नापते हैं निशान से नीचे, जैसे मैं नापता हूँ, तो आपको यहाँ पर 2 इंच कम करके निकालना होगी 48 इंच हिप के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल आया वो 10 इंच लटक आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे इस प्रकार। अब दोस्तों हम पॉकेट की लेंथ रखेंगे, वो रखेंगे 7.5 इंच पे। ये 7.5 इंच है मगर, और यहाँ से रखेंगे हम 2.5 इंच पे इसका फैलाव। मगर जो पॉकेट का साइज रहेगा ना, मुंह का साइज, वो यहाँ पर आपका 6 इंच ही रहने वाला है। तो हम इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पर निशान, कहीं आप समझें 7.5 इंच पे लगाना है, क्योंकि 1 इंच हम यहाँ से टांकी बांधेंगे, फिर हम 6 इंच रखेंगे इसका मुँह पॉकेट का, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लेना है थाई। दोस्तों थाई है इसकी 31 इंच, तो 31 का हम हाफ कर लेंगे दोस्तों, तो होता है 15.5 इंच। इस तरीके से 2.25 इंच लेंगे हम फलाई की गहराई के लिए, और इसको यहां से ये स्केल लेंगे, ठीक है, इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। यहां से फिर 0.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए, और यहां पर कमर है 44 इंच, तो इसका 4 भाग कर लेंगे, तो होता है 11 इंच। 0.5 इंच लेंगे मानी मार्जिन, लूजिंग नहीं, मार्जिन लेना है, सिलाई मार्जिन। इस तरीके से निशान लगाने के बाद, और हमें यहाँ पर इसकी दे देना है गोलाई। गोलाई देने के बाद हमें यहाँ पर 2.25 इंच लेना है फलाई, जहाँ से अटैच करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम अपने सामने को डाउन करेंगे, वो करेंगे 0.25 इंच। आप यहाँ पर इस तरीके से 0.25 इंच डाउन कर दीजिए। अब दोस्त बॉटम की, तो दोस्तों हमारी जो इसकी थाई है वो 31 इंच है, तो यहाँ से हम लेंगे 15.5 इंच इस तरीके से, और इस 15.5 का हाफ कर लेंगे, 7 × 7 = 14, 15, 7.5 इंच, ठीक है। अब इसकी जो बॉटम है वो है 17 इंच, तो हमें 17 का हमें 4 भाग करना है, तो 4.25 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाना है। अब दोस्तों हमारी यहाँ पर जो थाई है, ठीक है, वो यहाँ पर इस तरीके से नाप के चेक कर लेंगे कि यहाँ पर हमें 2.25 इंच लेना है, यहाँ से बढ़ाना है, तो आ रही है हमारी 17.5 इंच। तो हमें इसी तरीके से यहाँ पर चेक कर लेंगे कि जोड़ तो नहीं आ रहा है हमारा, तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अभी कंची आ रही है, ठीक है, कम से कम हमारा यहाँ पर अभी 0.5 इंच कम होना चाहिए। तो दोस्तों मोरी भी हमें बॉटम भी सेंटर में निकालना है और हमें जोड़ भी नहीं लेना है थाई में, ठीक है, बैक पार्ट में। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कम से कम 1 इंच कम कर देंगे और यहाँ से बॉटम को नाप लेंगे 17 इंच, ठीक है। तो इससे कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है और हमारे यहाँ पर थाई भी सही निकल जाएगी। फिर इस तरीके से हम स्केल रखेंगे और स्केल रखने के बाद में निशान लगा लेंगे। स्केल आपको हमेशा कम राउंड की लेना है, ज्यादा राउंड की स्केल आपको नहीं लेना है, ठीक है। हल्का सा करेंगे क्रॉस, इस प्रकार रखेंगे,
और यहाँ पर निशान लगा देंगे, हल्का सा यहाँ पर क्रॉस करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो मोरी के नाम है अपनी एक इंच सेंटर से आउट की है, क्योंकि थाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर अंदर का पल्ला जो है, जो अंदर की साइड होती है हमारी, ठीक है, जो हम प्रेस करते हैं, मिलाते हैं सिलाई को, वो अब हल्का सा उचक सकता है, क्योंकि हमने एक इंच अंदर लिया है। तो आपको कम से कम दो सूत यहाँ पर इसे डाउन करना होगा, यहाँ पर इतना ही रखना है और इसको हल्का सा डाउन करना है, ठीक है, इस तरीके से डाउन करना है। तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल के फिट होएगी, इसमें कोई भी अल्ट्रेशन नहीं आने वाली है, क्योंकि इस कपड़े की अरज है कम। अब दोस्तों हमारे यहाँ निशान लग चुके हैं, अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। यहाँ पर लगाएंगे कट, यहाँ कट लगाएंगे पॉकेट के पास, आधा इंच गहरा यहाँ कट लगा देंगे, ठीक है। अब हमें अपनी बैग को कटिंग करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी बैग को बिछा दिया है, बिछाने के बाद में यहाँ पर लगाएंगे एक निशान, ठीक है, इस तरीके से। और हमें यहाँ पर 1.25 इंच रखना है सामने से बैग में, ठीक है, और उसके बाद एक निशान लगाना है हमें यहाँ पर, और यहाँ पर रखना है हमें 1.25 इंच। ये देखिए, अगर हम एक इंच अपने बॉटम को यहाँ से इधर को नहीं हटाते, तो यहाँ पर हमारा जोड़ आने वाला था कंची। अब हमने यहाँ पर कंची बचा ली अपनी, ठीक है, और यहाँ पर हमारी बॉटम भी सही निकल गया। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कंची यहाँ पर बचा ली है, वरना यहाँ पर 31 थाई में आपके यहाँ जोड़ आने कंची आने वाली थी। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एक निशान यहाँ पर लगाना है, यानी कि अपने सामने से। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो ये निशान लगाया है वो लगाया है 1.5 इंच पे, ठीक है, इस तरीके से आप लें और 1.5 इंच अपने बैग को उठा लें सामने से। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच उठा लिया है, हम 40 हिप तक को यहाँ पर 1.25 इंच उठाते हैं, मगर हमने यहाँ पर 1.5 इंच उठाया है। उसके बाद में 0.5 इंच लेंगे हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन, और 44 कमर का 4 भाग कर लेंगे दोस्तों, होता है 11 इंच। 1 इंच लेंगे पीछे प्लेट के लिए, 2.5 इंच लेंगे सीट जोड़ाई के लिए। अब यहाँ पर हमारी हिप है वो है 48 इंच, तो 48 को 4 से डिवाइड कर लेंगे दोस्तों, होता है यहाँ पर 12 इंच, ठीक है, 0.5 इंच देंगे लूजिंग, और इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई परेशानी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं अगली वीडियो में आपके यहाँ पर प्रॉब्लम दूर करने वाला हूँ, कुछ भी आपको आसानी से बता दूंगा। वैसे मेरी कटिंग इतनी आसान होती है कि ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद आती है, और इस तरीके से मैं यहाँ पर निशान तिरछा कर लूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं, अब हम अपनी बैग को भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर लगाएंगे एक कट, ठीक है। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर पैंट कटिंग हो चुकी है। आपका अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं अगली वीडियो में उसको दूर करने की कोशिश करूँगा और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की भी कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।